जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू रनिंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BSOC 107 की बुक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बुक का सबसे पहला चैप्टर है हमारा जेंडर, सेक्स एंड सेक्सुअलिटी। इसका पार्ट वन है। कोशिश करेंगे हम कि इस चैप्टर को 4 पार्ट में लाया जाए और इसमें टोटल हमारा 8 स्लाइड्स है जिसमें 2-2 स्लाइड एक एक वीडियो में हम कवर करने का कोशिश करेंगे, मतलब 4 वीडियोज़ लगभग आएगा। चांसेस तो यही है, सोचे तो यही है, देखते हैं आगे क्या होता है। क्योंकि कभी कभी एक्सप्लेनेशन में बहुत बार होता है ना कि आप एकदम स्क्रिप्ट तो लिख के रखते नहीं है कि स्क्रिप्ट लिखा हुआ बोल दिए, टॉपिक देखते हैं, टॉपिक से मेरे को जो पढ़े हुए रहते हैं, जो मतलब मेरे पास जो नॉलेज है उसको हम एक्सप्लेन करते चले जाते हैं। और बुक्स का पूरा लाइन भी हम नहीं लिखते, बस टॉपिक वाइज लिख देते हैं। इसके कारण आपको टॉपिक याद रहे, क्योंकि बुक्स का पूरा लाइन तो याद करना असंभव है, याद नहीं कर पाएंगे। और टॉपिक से आपको याद भी रह जाएगा, टॉपिक अगर याद रखेंगे तो आपको पॉइंट्स याद खुद आने लगेगा। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना, देखिए सोशियोलॉजी के हम स्टूडेंट हैं और सोशियोलॉजी में ऐसा बहुत रेयर चीज़ होगा ना जो आपको नहीं पता होगा। आपको पता है पर आपका ध्यान नहीं जाता है, आप उस सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देख नहीं पाते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से बोल सकते हैं। पर्सपेक्टिव हो सकता है, कैसे बोल सकते हैं, देखिए पर्सपेक्टिव हो सकता है कि अपना आपका नज़रिया हो सकता है। जैसे कि एक ही इशू है, एक झमेला चल रहा है, मान लीजिए एक झगड़ा वगड़ा चल रहा है, ठीक है, कहीं पे एक इन्वायरमेंट और एक डैम बनने वाला है और डैम बनने के कारण बहुत सारे लोग वहाँ से हटने वाले हैं, हटाया जाएगा तभी तो डैम बनेगा, तो वहाँ कुछ लोग रह रहे हैं सॉरी। तो एक इन्वायरमेंटलिस्ट जो होंगे वो क्या सोचेंगे कि इन्वायरमेंट किसी भी तरह से डिग्रेड नहीं होना चाहिए। और एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्या अपने पर्सपेक्टिव से बोलेंगे कि थोड़ा ना थोड़ा तो इन्वायरमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये दोनों का अपना अपना नज़रिया है, समझे। वैसे ही पर्सपेक्टिव अपना एक नज़रिया होता है, तो हम समाज को पढ़ेंगे, समाज को हम पढ़ रहे हैं और सोसाइटी में कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जो नहीं आता, सब कुछ आता है। इसीलिए तो सोशियोलॉजी में आप जब 101 से लेके 115 तक पढ़ेंगे ना, फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक, तब अब आप ये वीडियो खोलें इसका मतलब तो आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप सोशियोलॉजी ऑनर्स लेके पढ़ रहे हैं, तभी तो आपका ये सब्जेक्ट है। तो 101 से लेके 104 तक हमारे फर्स्ट ईयर में है, 105 से लेके 110 तक सेकेंड ईयर में है, और 11 से लेके 15 तक, मतलब 111 से लेके 115 तक थर्ड ईयर में है। हम कोशिश करेंगे कि सारा बुक कवर करेंगे, इवन मास्टर्स का भी जो बुक है वो भी कवर करेंगे। बस थोड़ा प्रोसेस मेरा धीरे हो जा रहा है, एफिशिएंसी हम कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने का, और कोशिश कर रहे हैं वो थोड़ा स्पीड से और वीडियो लाया जाए। तो हाँ, हम क्या बता रहे थे कि ये जो टॉपिक है सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा ना, ऐसा आप सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स भी है, रिलीजन भी है, फिर किनशिप भी है, रिश्ता ना सब कुछ समाज में जो जो चीज़ है ना। फर्स्ट ईयर में तो हम बस एक ना डेफिनेशन, धीरे धीरे टॉपिक को डिस्कस किया गया था एक एक बुक में, ठीक है। अब क्या है, अब उस टॉपिक पे एक बुक आ गया है, एक बुक रहेगा। अब हम लोग एक बुक में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा और एलैबोरेटिव फॉर्म में हम थर्ड ईयर में पढ़ेंगे, ठीक। तो धीरे धीरे और एक्सपैंड होते जा रहा है और बहुत गहराई से आप एक मुद्दे को समझ पा रहे हैं। तो इस बुक में हम समाज का जेंडर के साथ क्या रिलेशन है और जेंडर को इन्फ्लुएंस समाज किस तरह से करती है, क्या इम्पैक्ट डालती है, इस बुक में टोटली हम लोग यही पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम पहले ये समझेंगे कि जेंडर मतलब क्या होता है। कभी कभी लगता होगा कि फॉर्म भरते वक्त हम लोग के ना सेक्स और जेंडर लिखा हुआ रहता है, लगता है दोनों सेम ही तो है। आपसे हम पूछें कि आपका सेक्स क्या है, आप बोलेंगे मेल या फीमेल, आपका जेंडर क्या है, बोलेंगे मेल या फीमेल, बात एक ही है ना। पर नहीं, इस बुक में हम थोड़ा एलैबोरेटिव वे में थोड़े गहराई से समझेंगे कि नहीं, सेक्स और जेंडर अलग है। आपका जन्म जब होता है ना, आपका जन्म जब होता है तो एक छोटे से बच्चे को देखकर हम क्या बता सकते हैं कि उसका सेक्स क्या होगा, ये नहीं बता सकते हैं कि उसका जेंडर क्या होगा। जेंडर तो समाज बनाएंगे, हम लोग उसको बनाएंगे कि वो मेल बनेगा कि वो फीमेल बनेगा, वो मैन होगा कि वुमेन होगा, ये हम बताएंगे उसको। कैसे बताएंगे, हम आगे बताएंगे आपको कि कैसे बताएंगे। पर वो जब वो जन्म लिया था ना, वो बच्चा जब जन्म लिया था तो वो बस उसका जेनिटल्स ही था जो उसको बता रहा था कि वो मैन है कि वुमेन है, पर उसका जेंडर नहीं बता रहा था।
आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे, तो फिर वापस हम बताते हैं। किसी बच्चे को आप जब गोद में दे लेते हैं, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा लड़का है कि लड़की, इन्फेंट का बात चल रहा है, गोदी में लेने वाला बच्चा, छोटा बच्चा एकदम, ठीक, कैसे पता चलेगा? छोटे बच्चे को देख के तो पता नहीं चलता कि लड़का है कि लड़की, कैसे पता चलता है बताइए? क्या देख के पता करते हैं? जो देख कर पता करते हैं ना, वही है जेनिटल्स, ठीक है। उसी जेनिटल्स को देख के बताया जा सकता है कि वो बच्चा लड़का है कि लड़की, ठीक है। और वो जो हम बता रहे हैं ना, ये लड़का है कि लड़की, वो हम क्या बता रहे हैं? वो उसका सेक्स बता रहे हैं, जेंडर नहीं बता रहे हैं। जेंडर कब बताएंगे? जेंडर हम जब वो बड़ा होगा, वो किस तरह से बिहेव करेगा, वो बताता है उसका जेंडर। और ये जेंडर अलग अलग सोसाइटी में वैरी करता है, क्योंकि ये जेंडर बनाया ही गया होता है सोसाइटी के द्वारा। कैसे बनाया गया होता है, देखिए आगे टॉपिक जब आएगा तो डिस्कस करेंगे। बनाया किस बोल सकते हैं ना, कि उसके बिहेवियर को, वो क्या चाहेगा, वो किस तरह से सोचेगा, क्या पसंद करेगा, किस तरह से वो एक्ट करेगा, क्या उसको करना चाहिए, क्या उसका डेली रूटीन होना चाहिए, ये सब समाज उसको बताती है। कैसे बताती है ये हम लोग पढ़ेंगे। नंबर वन हमारा टॉपिक क्या बताता है, कि सेक्स जो होता है ना, उसका फिजिकल अपीयरेंस होता है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर देख के हम बॉडी का पार्ट को देख के बताएंगे कि वो लड़का है कि लड़की है। तब वो हम क्या बता रहे हैं, उसके सेक्स को डिटरमाइन कर रहे हैं, उसके सेक्स को बता रहे हैं। अगर आप किसी का शरीर देख के बता रहे हैं कि वो लड़का है कि लड़की है, मतलब आप उसके उसके सेक्स को बता रहे हैं, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस देख के, उस लड़के का, उस इंसान के दाढ़ी मूछ है कि नहीं, अगर दाढ़ी मूछ है तो मतलब वो लड़का है, दाढ़ी मूछ नहीं हो तो लड़की है। किसी इंसान का ब्रेस्ट एनलार्ज है, दैट मीन्स वो क्या है, वो लड़की है। लड़के का तो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता नहीं है, लड़के तो फीड नहीं कराते बेबी को, बच्चे तो फीड नहीं कराते, लड़के तो फीड नहीं कराते ना, मदर्स कराती है, फीमेल कराती है, तो उनका मैमरी ग्लैंड होता है, तो उनको देख के भी समझ में आता है। अब देखने का मतलब वे इसको कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं ले जाना है, फिजिकल अपीयरेंस देख के समझ में आ जाता है कि लड़के हैं कि लड़की है। इससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि लड़का है कि लड़की है। छोटे बच्चे को जेंटल्स देख के, बड़े इंसान को आप देख के बता देंगे, तो वो जो आप देख कर बता रहे हैं ना, बस देख कर बता रहे हैं, वो है सेक्स, आप उसका सेक्स बता रहे हैं, ठीक है, कि वो लड़का है कि लड़की है। जेंडर क्या होता है? जेंडर होता है उसका सोशल बिहेवियर, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक, सोशल बिहेवियर, उसका साइकोलॉजी, किस तरह से वो सोच रहा है, किस तरह से वो, मतलब आप सोचेंगे कि हम ये कैसे बताएंगे किस तरह से सोच रहा है, कोई क्या सोच रहा है, हम कैसे बताएंगे? पर एक इंसान है, अब अभी भूल जाइए कि वो एक इंसान लड़का है कि लड़की, भी नहीं हुआ, एक इंसान है, वो आया आपके बगल में, ठीक है, आया, हंस रहा है, दो या फिर थोड़ा कैसे बताएं कि नॉर्मल सीधा, जैसे लड़के चलते हैं सीधा चल रहा है, ठीक है, पीछे, तो आप बोलेंगे कि इसके दूर से आप देख रहे हैं उस इंसान को, ठीक है, आप बोलेंगे इसके चलने के ढंग से तो समझ में आ रहा है कि ये लड़का है, ठीक, और सामने जाके देखते हैं कि तो ये लड़की रहती है, ठीक। सेकंड टाइम ऐसा कुछ आपके साथ होता है कि एक इंसान चल रहा है, आप नहीं जानते वो इंसान कैसा है, पीछे से चल रहा है, ठीक, और आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि तो लड़की है, ठीक, इतनी रात तक लड़की अकेले कहाँ जा रही है, बाद में पता चल रहा है कि अरे ये लड़की नहीं तो लड़का है, तो ये क्या देख के आप बता रहे हैं कि लड़का है कि लड़की? उसका जो बिहेवियर है ना, उसके बिहेवियर को जो देख के आप बता रहे हैं, ये उसका जेंडर है। क्योंकि आपको कौन बताए कि लड़की ऐसे चलती है, लड़का ऐसे चलता है, कोई कैसे भी चल सकता है भाई, ये कौन डिटरमाइन करता है? ये समाज डिटरमाइन करता है कि लड़की को इस तरह से बिहेव करना है, लड़की को नज़ाकत में रहना है, नज़ाकत दिखाना है, थोड़ा अदाकारी दिखाना है, लड़के को नहीं दिखाना है, ये सब समाज फिक्स कर देती है। कैसे फिक्स करती है आपको खुद भी नहीं पता चलेगा, और आप धीरे धीरे सीख जाएंगे कि एक लड़के कैसे बिहेव करते हैं, लड़कियां कैसे बिहेव करती हैं। आपके जन्म से पहले आपका पसंद का डॉल, आपके पसंद का खिलौना ले लिया जाता है, अगर लड़का होगा तो ऐसा होगा, लड़की होगी तो ऐसी होगी, ड्रेस सब कुछ फिक्स रहता है। लड़की है वो आएगी तो उसको डॉल देंगे, क्या पता वो बच्ची आपको बोली है, छोटी बच्ची, कि इसको डॉल पसंद है कि क्या पसंद है, उसके लिए लड़के के लिए स्पाइडर मैन, ई मैन, जी मैन, और भी बहुत सारा, आयरन मैन, एवेंजर्स का कितना सारा आता है, सब ले देंगे उसको। लड़की होगी तो किचन सेट होता है ना, छोटे छोटे खिलौना बर्तन, स्टोव, कुकर, प्रेशर कुकर, खिलौना बाटी, और डॉल, शादी, गुड्डा गुड्डी का शादी वाला चीज़,
हालांकि अब तो बच्चा खेलना ही बंद कर दिया है, बच्चों को फ़ोन से ही फुर्सत नहीं है। छोटा बच्चा को जब तक आप फ़ोन ना पकड़ो उसके मुंह में निवाला ही नहीं घुसता। तो गार्जियन भी मुक्त हो जाते हैं कि फ़ोन पकड़ा देते हैं और खाना दिए जा रहे हैं, पर वो वाला सिस्टम भी अब ज़्यादा दिखता नहीं है। पर हाँ, जनरली सोशलाइजेशन में बच्चे को जो हम दे रहे हैं, जो हम खिलौना दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, कपड़ा का कलर भी डिसाइड करके दे रहे हैं। बच्चा नहीं बोल रहा है कि मेरे को पिंक चाहिए कि ब्लू चाहिए,